हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्कैल्प सोराइसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्कैल्प सोराइसिस क्या होता है? तो ये एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें स्केल्स का बिल्डअप होने लग जाता है, रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है। सोराइसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी स्किन में हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्कैल्प सोराइसिस की बात करेंगे। ये सोराइसिस जो सिर्फ स्कैल्प पोर्शन में होता है और फोरहेड या फिर बैक ऑफ द नेक हो सकता है। स्कैल्प सोराइसिस कोई कॉन्टेजियस कंडीशन नहीं है, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन को स्कैल्प सोराइसिस है, अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको भी वो डिजीज़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्टेजियस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, फैलने वाली बीमारी नहीं है। स्कैल्प सोराइसिस माइल्ड भी हो सकता है या फिर सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये माइल्ड कंडीशन है तो आपको थोड़ा बहुत इचिंग या फिर रेडनेस हो सकती है, रैश जैसा फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस सीवियर हो रहा है तो आपको जो स्किन है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाती है, रैपिडली सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं जिसके वजह से बिल्डअप होने लग जाता है। स्कैल्प सोराइसिस में क्रस्ट फॉर्म हो सकते हैं जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है। स्कैल्प सोराइसिस में कई बार इतनी ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है कि लोगों को स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लग जाती है जिसके वजह से उन्हें स्ट्रेस हो सकता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है स्कैल्प सोराइसिस के वजह से लोगों को हेयर फॉल की कंप्लेन भी होने लग जाती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्कैल्प सोराइसिस की कंप्लेन हुई है तो उसमें उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर किसी पर्सन को माइल्ड सोराइसिस हुआ है तो उनको थोड़ा बहुत इचिंग हो सकता है, स्केल्स बहुत ही कम होते हैं और रेडनेस हो सकती है। लेकिन अगर किसी पर्सन को सीवियर सोराइसिस हुआ है तो ऐसे लोगों में जो स्केल्स है वो लार्ज हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं और सिल्वरी स्केल्स हो सकते हैं। स्किन में फ्लेक्स भी फॉर्म हो सकते हैं और जो स्केल्स फॉर्म हुए हैं जो वाइट या फिर सिल्वरी कलर के जो स्केल्स हैं उसमें हद से ज़्यादा उन्हें इचिंग हो सकती है। कई बार स्कैल्प में ड्राइनेस भी हो जाता है, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसके वजह से उन्हें इचिंग के साथ ही साथ बर्निंग भी हो सकती है। स्कैल्प सोराइसिस में ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट्स को हेयर फॉल की कंप्लेन रहती है, तो हेयर फॉल होने का रीज़न सोराइसिस नहीं होता। अगर किसी पर्सन को स्कैल्प में सोराइसिस हुआ है तो उनको बर्निंग इंटेंस इचिंग होने लग जाती है जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच करते हैं, स्क्रैचिंग के वजह से उनको हेयर फॉल होने लग जाता है और स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर स्कैल्प सोराइसिस होने का रीज़न क्या है। तो वैसे कोई नॉन कॉज नहीं है कि इस प्रॉब्लम के वजह से या फिर कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है कि इसके वजह से स्कैल्प सोराइसिस होता हो, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन इसके पीछे हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्किन सेल्स है वो रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं जिसके वजह से पैचेस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि किसी पर्सन को अगर स्कैल्प सोराइसिस है तो उसके फैमिली में भी हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुई है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेजेरियम 200 का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलूरियम 200 का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 200 या फिर आप मर्क सोल 200 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 3 ड्रॉप्स दिन में 2 बार ले सकते हैं डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये था स्कैल्प सोराइसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।